वेलकम टू खाना मनपसंद। मैं कामना चोपड़ा खाना मनपसंद में आपका स्वागत करती हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू मेक वन मोर कोफ्ता रेसिपी, दैट इज लौकी कोफ्ता करी। सो हेयर आई एम यूजिंग वन स्मॉल साइज ऑफ कॉर्ड यानी कि घिया। यहाँ पर मैंने लौकी लेकर उसको ग्रेट कर लिया है, तो मैंने यहाँ पर उसे पील करके उसको ग्रेट कर लिया है। एंड आई एम गोइंग टू टेक बेसन 1 कप, यानी कि ग्राम फ्लोर जो है हम वो 1 कप के करीब लेंगे। आप थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। हम इसे थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ माई कोफ्ता करी। अगर आप चाहें तो आप इसे रोस्ट किए बिना यूज कर सकते हैं, बट आई लाइक इट रोस्टेड बिकॉज उससे जो है बेसन का जो फ्लेवर है वो खिलकर आता है, साथ ही साथ इसका जो कच्चा फ्लेवर है वो भी नहीं आता। टोमेटोज, दीज आर 4 to 5 मीडियम साइज ऑफ टोमेटोज, दे आर ग्रेटेड। 1 big onion जो कि मैंने इसे भी ग्रेट किया है। क्रश्ड जिंजर गार्लिक एंड 2 green chilies। नाउ मसालास, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट और 1.5 teaspoon, धनिया यानी कि कोरिएंडर पाउडर 1 teaspoon, हल्दी 1 teaspoon, टर्मरिक, दिस इज रेड चिली पाउडर 1 teaspoon, गरम मसाला पाउडर 1/2 teaspoon, दिस इज फ्रेश मिंट। फ्रेंड्स आई एम गोइंग टू एड दिस इन माई कोफ्ता, इट विल गिव अ रियली फ्रेश फ्लेवर टू माई कोफ्ता। कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर, एंड आई एम यूजिंग 1 more इनग्रीडियंट जो कि मैंने अपने मिक्स वेजिटेबल कोफ्ता में भी एड किया था। दिस इज मीठा सोडा, अ गुड पिंच ऑफ मीठा सोडा, और यू कैन से 1/8 teaspoon मीठा सोडा यूज किया है हमने। इससे हमारे जो कोफ्ते हैं बहुत सॉफ्ट बनेंगे। 1 tablespoon फ्रेश क्रीम फॉर मेकिंग अ ग्रेवी रिच, एंड सम जीरा। यहाँ पर मैंने कोई होल गरम मसाला मैं नहीं ऐड कर रही हूँ, एंड वाटर एज पर रिक्वायरमेंट। सो सबसे पहले हम अपना जो ग्राम फ्लोर है वो रोस्ट कर लेंगे। मैंने अपना पैन जो है वो पहले से गरम कर लिया है, बिकॉज हमें इसे ड्राई रोस्ट करना है, तो हम इसे ऐसे ही रोस्ट करेंगे ऑन मीडियम फ्लेम। इसे बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पर नहीं रोस्ट करेंगे, अदरवाइज ये नीचे से जल सकता है। सो वी आर गोइंग टू रोस्ट इट फॉर 1 minute, जस्ट फॉर 1 minute, ताकि इसमें से थोड़ी सी खुशबू आने लगे और इसका कच्चापन जो है वो ना रहे। दिस इज टोटली ऑप्शनल स्टेप, इफ यू डोंट वॉन्ट टू डू दिस देन यू कैन अवॉइड दिस स्टेप, बट अगर आप मेरी माने तो इसे रोस्ट करके यूज कीजिएगा, देन सी द डिफरेंस बिटवीन द कोफ्ताज यू ऑलवेज मेक। एंड विद दिस रेसिपी हमारी जो है ग्राम फ्लावर की खुशबू आने लगी है, ये भुन चुका है। नाउ लेट इट कूल डाउन, और इतने हम अपना ऑयल प्रिपेयर करने के लिए रख देते हैं। फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने कोफ्ताज बनाएंगे, उसके लिए हम सबसे पहले अपना गॉट लेंगे और उसमें जस्ट थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। वी विल ऐड अ फ्रेश मिंट लीव्स, लिटिल बिट ऑफ रेड चिली पाउडर, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट आर कोफ्ताज टू बी टेस्टलेस। सो इफ यू वॉन्ट टू अवॉइड चिली देन यू कैन अवॉइड। Now we will add our roasted besan or gram flour. We will add 1 cup of gram flour. साथ ही मैं इसमें अपना मीठा सोडा ऐड कर दूंगी, दैट इज अराउंड 1 pinch। आप इसे बहुत ज्यादा नीड ना करें क्योंकि हमें इसके टाइट कोफ्ताज नहीं बनाने हैं। अपनी जो कढ़ाई है उसे मीडियम टेम्परेचर तक गर्म कर लें। तो ये देखिए हमारा जो कोफ्ताज का मटेरियल है दैट इज रेडी। नाउ वी विल मेक ऑल आर कोफ्ताज। फ्रेंड्स ज्यादातर लोगों को लौकी के कोफ्ते जो है वो पसंद नहीं होते। वी विल मेक आर कोफ्ताज वेरी लाइट हैंड एंड वी विल मेक स्मॉल बॉल्स आउट ऑफ इट। ये देखिए, क्योंकि ये अभी जब सोक करेंगे ग्रेवी को देन दे विल बिकम बिग, सो वी आर मेकिंग स्मॉल कोफ्ताज। इस तरह हम छोटे छोटे कोफ्ते बना लेंगे। अगर आपको लगे कि बेसन और ये जो मसाला है आपके हाथों को चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा पानी लगा लें और फिर ये कोफ्ते रोल करें, दे विल रोल इजीली। आई विल मेक ऑल माय कोफ्ताज लाइक दिस। ये देखिए फ्रेंड्स, इतने मटेरियल में हमारे अबाउट 19 कोफ्ताज बने हैं, एंड नाउ वी आर गोइंग टू फ्राई देम। एंड नाउ वी आर गोइंग टू फ्राई आवर कोफ्ताज। We will fry them on medium heat. एक बार में हम 6-7 कोफ्ते तल लेंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स हमारे कोफ्ता पर कितना अच्छा कलर आ रहा है एंड वी विल फ्राई आर कोफ्ता फॉर फ्यू मोर मिनट्स। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे कोफ्ता जो है वो बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, दे आर लुकिंग गोल्डन एंड यमी। सो अब हम इन्हें किसी टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे कोफ्ता पर कितना अच्छा कलर आया है, दे आर लुकिंग रियली टेस्टी एंड यमी। स्टार्ट मेकिंग आवर ग्रेवी। उसके लिए हमने अपने कढ़ाई में अबाउट 2 टेबलस्पून ऑयल जो है वो गरम कर लिया है। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड माय क्यूमिन सीड्स और जीरा। नाउ वी विल ऐड आवर जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली और इनके भूनते ही आप देख सकते हैं कि ये लगभग भून गए हैं। वी विल ऐड आवर अनियन, ग्रेटेड अनियन। अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे, टर्मरिक, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, मिक्स करेंगे अच्छे से, भून लेंगे हल्का सा। ऐड आवर ग्रेटेड टोमेटो, मिक्स इन प्रॉपरली एंड वी विल कुक इट अंटिल दे लीव द ऑयल और द ऑयल ओजेस आउट फ्रॉम दीज कॉर्नर्स। हम इसे 2-3 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे मसाले ने अच्छे से घी छोड़ दिया, आप देख सकते हैं जो हमारे टोमेटोज हैं वो भुन चुके हैं। बिकॉज आई एम यूजिंग वो 5 टोमेटोज सो आई एम गोइंग टू यूज अ पिंच ऑफ शुगर हेयर। आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड लिटल बिट ऑफ शुगर ताकि मेरे जो टोमेटोज हैं वो सार ना रहे, खट्टे ना रहे। फ्रेंड्स नाउ आई एम गोइंग टू ऐड सम सॉल्ट टू माय मसाला, 1 teaspoon। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड सम वाटर। हियर आई एम गोइंग टू ऐड अबाउट 1.5 कप ऑफ वाटर। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड माय कोफ्ता इन दिस ग्रेवी। इसे ढक देंगे अबाउट फॉर 4-5 मिनट्स। फर्स्ट जब तक हम बॉयल नहीं आता तब तक हम इसे हाई फ्लेम पर रखेंगे और जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स आफ्टर 7-8 मिनट्स हमारी जो मसाला है या करी है वो कितनी कम रह गई है आप देख सकते हैं। हमारे कोफ्ता जो है वो साइज उनका कितना बढ़ गया है। नाउ वी विल ऐड आवर फ्रेश क्रीम जो कि हमने अराउंड 1 टेबलस्पून ली थी। If you want, you can avoid this cream, but I like this cream in my kofta, so I will cook it for around 5 minutes. हम इसे लो फ्लेम पर ही पकाएंगे एंड आफ्टर 5 मिनट्स, अब मैंने इसकी फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर दी है और आफ्टर 5 मिनट्स वी विल चेक आवर कोफ्ताज अगेन। प्लीज डू ट्राई दिस रेसिपी एंड सेंड योर फीडबैक। फ्रेंड्स आफ्टर अनदर 5 मिनट्स आवर ग्रेवी इज रेडी। यू कैन सी द कलर एंड द साइज ऑफ द कोफ्ताज, it has really come out well. Now we will sprinkle some coriander leaves. So friends our lauki kofta curry is ready. This is really very yummy recipe. Please do try this recipe, like the recipe, then please do subscribe and thanks for watching khana manpasand. Aur iski full recipe ke liye aap mere blog khanamanpasand.blogspot.com par login kar sakte hain. Thanks for watching khana manpasand, bye bye.